मेरा नाम सरबजीत कौर है, पिंड रौंदे तो बिलोंग करते हैं। सरबजीत जी, तुम अज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के प्रोग्राम के सम्मानित किया गया है, की कहोगे तुम? मैं कहना चाहूँगी जोड़ा भी मोदी साहब ने 9 अक्टूबर तो 14 अक्टूबर तक बेटी बचाओ का जोड़ा भी कुछ भी करते पे भी बहुत वजिए करते पे हैं, इस मैंने बुलाया भी मैंने बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं चाहती हाँ कि भी वो इदा ही भ्रूण हत्या बारे भी थोड़ा बहुत करन, कुछ भी भ्रूण हत्या रोकया जाए, वो तो वो कुड़ियों सपोर्ट किया जाए। तो अच्छा कुछ सारे भ्रूण हत्या करते पे आप पेरेंट्स अपने बच्चों को जमन तो पहले कुछ मार रहे हैं, तो मैं चाहती हाँ भी उस दुख से रोक दी जाए। जिमें कि बेटिया का हम अपने बड़ा बड़िया उचाइया से इन्होंने बुलंदियों से लजाया जा रहा है, तुम कि गेम से पार्ट सम्मान किया? मैं वर्ल्ड कप कबड्डी 2 बार 2013-2014 खेली हाँ, उस बार मैं इंडो पाक्स गेम पाकिस्तान भी खेल के आई हूँ। तो मैं चाहती हाँ भी वो तो वो बेटियाँ खेलन, पेरेंट्स सपोर्ट कर, बच्चिया भी अगर जाके बदल भी उन्होंने चाहती हाँ कि वो तो मेहनत कर अपना जो भी एम आ पूरा कर लाइफ। होर जिहड़ियां लड़कियां अज देश दे नाम नूं उचाइयां तों पहुंचा रहियां हैगियां, उन्हां देखदे होए तुसीं दूजियां बच्चियां नूं की संदेश देना चाहुंदे? मैं चाहती जिदा दीदी हरमनदीप दीदी जिदा हुण खेले, उन्होंने पूरा इंडिया च नाम रोशन किया, निमरता अरोड़ा ने भी राइफल्स जो बहुत वधिया नाम रोशन किया वर्ल्ड का। मैं चाहती हाँ वो बेटिया अगे आन के अपना इंडिया के किसी का नाम रोशन कर। सर, ये अभियान जो मोदी जी वालों चलता सारे देश में मनाया जा रहा है, बहुत ही वधिया मतलब इन्होंने स्टेप लिया मनाउण दा कि सारे मतलब सारे पास अवेयरनेस जाती है भी अजकल आपको पता भी अपने देश के हर एक फील्ड के लड़कियाँ अगर जा रही हैं, हर एक फील्ड वी कैन सी कि पायलट लड़की है, इंजीनियर लड़की है, डॉक्टर लड़की है, तो क्यों नहीं आप लड़की लड़के को एक तरह देखते, क्यों नहीं आप सोसायटी में उन्होंने एक स्टेटस देते? तो यह बहुत ही वधिया कि सारे अवेयरनेस मिलती पी है भी लड़कियों भी उन्ना ही हक दिता जाए जिन्ना कि लड़कियों को दिता जाता है। तो यह बहुत ही वधिया स्टैप है जो कि इन्होंने वालों लिया गया सारे अवेयरनेस फैलाने। हमारी तरफ से 9 अक्टूबर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम लोग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम लड़कियों के रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट स्कूल्स में करवा रहे हैं, जिसमें हमने ओपनिंग सेरेमनी करी है, रैली करी है। आज 14 अक्टूबर को हम लोग इसकी क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे हैं आर्या मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जिसमें हमने फील्ड से डिफरेंट फील्ड से गर्ल्स को यहाँ पे इनवाइट किया है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से गर्ल्स हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं, कल्चर डिपार्टमेंट से हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। और बाकी लड़कियों को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि वो जो भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन करें, आने वाले टाइम में लड़कियां ही हैं जो देश का नाम आगे बढ़ाएंगी। और आम पब्लिक को ये मैसेज कन्वे किया गया है कि लड़कियों को जन्म देने का पूरा अधिकार दिया जाए, उन्हें पेट में नाम मारा जाए और उन्हें लड़कों की तरह ही इक्वल और पूरा अधिकार दिया जाए जन्म देने का और इक्वल प्रोटेक्शन का। जी, मेरा नाम जसप्रीत कौर ढिल्लो, मैं इत्थे अज मोगा दे विच जिथे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे तहत एक समाप्ति समारोह हो रहा। इस प्रोग्राम नू 9 तरीक नू शुरू किया गया, अज इत्थे मोगा दियां सन्मानित शख्सियतां जिहड़ियां कि पंजाब दियां खासकर मोगा डिस्ट्रिक्ट दियां जिहड़ियां कुड़ियां जिन्हां ने किसी भी फील्ड विच मल्ला मारियां उन्हां नू सन्मानित किया जा रहा वा, जिन्हां दे विच मेरा नाम भी लिया गया। सो ये बहुत माण वाली गल आ मेरे लिए कि मैं भी इत्थे सन्मानित हुई हाँ, तो बाकी साड़ियाँ मेरिया भैन जिमें हरमनप्रीत कौर ते सरबजीत कौर उन्होंने भी सन्मानित किया गया। सो बहुत ही खुशी वाली गल आ कि जिहड़ियां कुड़ियां इन्ने बहुत वधिया काम किए आ उन्होंने सन्मान मिलना वाकई माण वाली गल आ, ये कुड़ियां होरां दे लई रोल मॉडल्स बनदियां। सो बहुत खुशी की गल आ कि पंजाब सरकार का ये कदम वाकई सलाहुण जोगा। सो मैं धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने सानू इत्थे इनवाइट किया, साडी हौसला अफजाई की। सो बहुत खुशी की गल। तुसी पेरेंट्स नूं की मैसेज देना चाहुंदे हो उन्हां दीआं बेटियां बारे? मैं उन्होंने यही मैसेज देना चाहुंदी हाँ कि समाज के लिए कुड़ी का होना बहुत जरूरी है। जिदा जे आपां कह दईए कि मुंडे समाज की सिरजना करदे आ, उन्हूं विशाल करदे आ, तां एक औरत समाज की सिरजना करदी आ, सो उन्हूं असीं माड़ा किवें कह सकते हैं? जां उहदे बिना तां समाज अधूरा, असीं कल्पना भी नहीं कर सकते एक औरत तो बिना समाज की। सो मापिआं नूं यही कहना बनता है कि प्लीज़ खुशी मनाओ, और अज कल हो भी रहा समाज बदल भी रहा, कुड़ियां दे जम्मन ते लोहड़ी मनाई जाती है, सो वाकई ये काबिले तारीफ।